हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू रीड क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर टू ओके दैट इज अ पोयम राइट एंड चैप्टर नेम इज़ टीम वर्क राइट टीम वर्क मीन्स होता है टीम बनाकर काम करना या साथ साथ मिलकर काम करना ओके या सो पोएम स्टार्ट करने से पहले वन क्वेश्चन गिवन है इसको हम रीड कर लेते हैं डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और प्ले करना अच्छा लगता है या yeah, ओबियसली बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम अकेले तो प्ले कर नहीं सकते हैं और अकेले हम काम कर नहीं सकते हैं राइट right? क्योंकि अकेले काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना दूसरों के साथ मिलकर काम करने में या प्लेइंग करने में अच्छा लगता है राइट नाउ वी स्टार्ट द या यस लेट्स सिंग एंड डांस टीम वर्क टीम वर्क राइट इस पोयम में पोइट कहता है कि सब लोग साथ मिलकर काम करो राइट right? टीम वर्क टीम वर्क सब लोग मिलकर काम करो टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं राइट right? पॉइंट कहता है कि अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने ड्रीम वर्क को दैट मीन्स अपने सपने को पूरा कर सकते हैं राइट नेक्स्ट देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वट वी हैव डन टीम वर्क एवरी वन दैट मीन्स फिर हम सब मिलकर शेयर करेंगे उस खुशी को बांटेंगे जो हमने किया है टीम वर्क एवरी हर कोई मिलकर काम करो हर कोई मिलकर एक साथ काम करो ओके नेक्स्ट इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हु राइट दैट मीन्स हुप से बास्केटबॉल को पास कराने में बड़ा मज़ा आता है बहुत ही अच्छा लगता है या फिर यहाँ बहुत ही फन वाला काम है ठीक है हुप मीन्स क्या होता है आ, आप लोग ऊपर पिक्चर में देख सकते हो राइट ये बास्केटबॉल के ऊपर एक नेट है गोल एक गोल नेट है जिसमें बास्केटबॉल को डालते हैं ठीक है ठीके? तो इसको होप कहते हैं राइट तो पॉइंट कहता है कि होप से बास्केटबॉल को पास कराने में बड़ा मजा आता है राइट बट इफ नो बडी देन नो बडी सूट्स ओके दैट मीन्स परंतु यदि कोई बास्केटबॉल को पास नहीं करेगा तब कोई सूट भी नहीं कर पाएगा राइट दैट मीन्स अगर हम एक साथ मिलकर टीम बनाकर बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे तो हम अकेले तो बास्केटबॉल खेल नहीं सकते हैं राइट नेक्स्ट एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन ओके रिले रेस रिले रेस क्या होता है इस रेस में चार से पांच लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राइट जिसमें से पहला जो पहला रेसर होता है वो भागता है ठीक है और उसके हाथ में एक बैटन होता है बैटन मतलब स्टिक होता है या उसके हाथ में कुछ भी हो सकता है ठीक है उस स्टिक को वहाँ लेके भागता है फिर उसमें से जो एक रेसर दूसरा जो दूसरा होता है रेसर वो उसके आगे होता है खड़ा होता है ठीक है फिर उस स्टिक को वहाँ दूसरे रेसर को देता है ठीक है फिर रेसर जो दूसरा रेसर होता है वो वो उस स्टिक को लेकर भागता है फिर वहाँ उस स्टिक को तीसरे को देता है ठीक है तो ऐसे करके आ, ये रेस कंप्लीट होता है ठीक है तो इसको हम रिले रेस कहते हैं राइट और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो इस गर्ल के हाथ में एक स्टिक है राइट स्टिक जैसा है इसको बैटन कहते हैं राइट सो इसको हम फिर से देखते हैं एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन राइट दैट मीन्स रिले रेस नहीं चल सकती है राइट रिले रेस नहीं हो सकती है इफ नो बडी वांट्स टू पास द बैटन यदि कोई भी बैटन को पास नहीं करेगा ठीक है यदि कोई भी बैटन को पास नहीं करेगा तो रिले रेस नहीं हो सकती है राइट नेक्स्ट वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गोट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल गोल मीन्स होता है सपना राइट वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल दैट मीन्स हम छोटे छोटे भाग हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं राइट जो पूरा बना देंगे होल मींस होता है पूरा राइट हम छोटे छोटे भाग हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिलकर पूरा बन जाते हैं या पूरा बना देंगे या किसी भी काम को पूरा कर देंगे राइट एंड वी हैव गोट अवर आईज ऑन अ कॉमन गोल ओके और यदि हम सब एक साथ रहेंगे यदि हम सब एक साथ रहेंगे मिलकर काम करेंगे तो अपने गोल को या सपने को साकार कर लेंगे या पूरा कर लेंगे ठीक है समटाइम्स इट कैन बी अग प्लस ओके समाइम्स कभी कभी इट कैन बी अ बिग प्लस यहाँ कभी कभी यहाँ एक बिग प्लस हो सकता है बिग प्लस या बिग पॉइंट हो सकता है ठीक है वैन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस राइट जब आप और मैं मिलकर हम हो जाए राइट वैन जब अ यू आप और अ मी और मैं बिकम्स एंड अस अस मीन्स होता है हम ठीक है यदि आप और मैं मिलकर हम हो जाए ठीक है तो यहाँ एक बिग पॉइंट हो सकता है राइट right? एक बिग प्लस हो सकता है ओके सो डियर स्टूडेंट्स इस पोयम में पोइट ने बताया है कि हम किसी भी काम को ठीक है पूरा कर सकते हैं यदि हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं राइट एक साथ मिलकर काम करने से कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो उसको पूरा किया जा सकता है राइट सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा ठीक है एक बार आप इसको सेल्फ रीड करेंगे ओके